देखिए, चार विरोधी दलों के नेताओं को जरूर बुलाया है। कल संसदीय कार्य मंत्री का फोन भी आया था, बाद में हमारे एलओपी साहब है खरगे जी, उनका फोन था। हमारा कहना है कि ये जो लड़ाई चल रही है संसद में राज्यसभा में, वो पूरे विपक्ष दल की यूनिटी है। जिनके सांसद निलंबित नहीं हुए हैं वो भी हमारे साथ है, वो भी हमारे साथ लड़ रहे हैं। तो हमारे मांग रहेंगे कि आप सभी विपक्ष दलों की बैठक बुलाइए, चाहे तो आप ऑल पार्टी नेताओं की बैठक बुलाइए ये 12 निलंबित सांसदों के बारे में, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ये आपस में फूट डालने की कोशिश है। तो सबसे पहले हमारे नेता प्रतिपक्ष खरगे जी, उनके साथ मीटिंग करेंगे। उनके साथ मीटिंग 9:30 बजे है, उसके बाद 10 बजे वाली मीटिंग के बारे में क्या करना है, क्या निर्णय लेना है, हम वहां निर्णय लेंगे और बाद में सोचेंगे। सर, कल केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पुणे में थे, उन्होंने कहा है सत्ता की लालच में शिवसेना ने जनता से विश्वासघात किया है, आपको चुनौती दी है, हिंदुत्व के बारे में भी सवाल उठा। देखिए नंबर, मैं एक आपको बताना चाहता हूँ कि देश के गृहमंत्री को कुछ काम नहीं होगा देश में, तो आपको मैं उनके पास कामों की सूची भेज दूंगा मेरे पार्टी की तरफ से, कि देश में लॉ एंड ऑर्डर और भी बहुत से मुद्दे हैं। कर्नाटक में जाइए, छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान के बाद वहां के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब हो गई है, अब देख लीजिए। महाराष्ट्र में हमारी सरकार